दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मेरठ कंकड़ खेड़ा में आज शनिवार को कांवड़ पर थूकने का आरोप लगाते हुए कांवड़ियों ने बवाल कर दिया। जिन लोगों पर थूकने का आरोप है वे मुस्लिम युवक थे। कांवड़ियों, सेवादारों व पुलिस ने दौड़कर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके दो अन्य साथी भाग निकले। कांवड़ियों ने पुलिस चौकी के बोर्ड आदि भी क्षतिग्रस्त कर दिए। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विनीत भटनागर ने कांवड़ियों को समझाने की काफी कोशिश की। वहीं MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा नेता नीरज मित्तल, निरंकार चौधरी ने कांवड़ियों को यह समझाने का प्रयास किया कि सरकार उनका कितना ध्यान रख रही है, लिहाजा ऐसा कुछ ना करें जिससे आमजन को परेशानी हो। इसे लेकर ही उन्होंने मेरठ देहरादून बाईपास पर जाम भी लगा दिया। स्थानीय भाजपा नेताओं के सहयोग से पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। जिलाधिकारी दीपक मीणा व SSP रोहित सजवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। यह घटना कंकड़खेड़ा जेटौली फाटक के पास की है, देखिए वहां का नजारा। क्या करोगे उस बंदे को बाहर नहीं निकाला, तुम सब मिले हुए हो, फिर उस बंदे को सामने गए, तुम मिले हुए सब कट्टमा साहब मुसलमान हो गए, मिले हुए मिले हुए हमारी सुविधा के लिए मुसलमान हो गए, मिले हुए तुम्हें हिंदू हो गई परवाह नहीं है, मुसलमान में परवाह है, तुम्हारी परवाह भाई है, शांत करे तो छोटा बड़े, ऐसे मत करे भाई, मत समझ, प्यार से समझ, गुस्सा करने से कुछ फर्क नहीं है। कौन ने उस पर मुकदमा जो करना हो करो, लेकिन शांति तो कर लो, बवाल से हो जाएगा कुछ। सरकार अपनी व्यवस्था अपनी क्या चाहते हो? अरे वो उसे छोटो, आप क्या चाहते आप बता दो आप क्या चाहते? उसे छोटो सोच रहे हो, उसका तो इलाज होना होना, ये टेंशन मत लो, आप तो बता दो क्या चाहते हो, बता दो। सर एक बार सर को बुला लें, एक बार साहब से बात करना चाहिए। नहीं मैं साहब को बुलाऊंगा। अरे सर को क्या चिंता है साहब? अरे वो तुम्हें क्या चिंता है साहब? तुम्हें क्या चिंता है? अरे भाई तुम्हारे साथ ही तो थे बीच में। अरे साहब कोई बात नहीं, पता है सर ये हमको अलग अलग करना चाह रहे हैं। अरे सर मैं जान रहा हूँ सर, मैं पद भी नाऊंगा ना, पद तो बहुत है, पद से मत वो मेरे कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा लागत तो हमारा है, हमें कुछ है नहीं। हां अभी तो तेरे साथ ही रहते सब लोग, यही है दुख, तुम्हें उससे ज्यादा दुख हमें क्या नहीं है क्या? हम इंदौर नहीं, क्या हम कावड़ नहीं लाए क्या? हमको बताया क्या? सुनो हमें पीड़ा नहीं, हम सेवा कर रहे हैं, आपको पीड़ा है? अरे सब हम आएंगे, यहीं आ रहे हम लेने आया, और हमारी पहले पीछे आगे वाली कावड़ पे चुका, उसके बाद हमारी कावड़ पे चुका है, दो जने थे, एक जना हमने पकड़ लिया। आप लोग कहाँ से जल लेके आ रहे हैं और कहाँ तक? राजस्थान जाएंगे, राजस्थान भरपूर रात दिन चल रहे हैं, राजस्थान चले पड़े हैं, पैरों में चले पड़े हैं। इस बारे में मेरठ SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। कुछ राजस्थान के कांवड़िए थे, ये हरिद्वार से जल लेकर राजस्थान की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग ऑल्टो सवार लोग जा रहे थे और इनसे कुछ टक्कर हुई या कुछ बहस हुई, तो उसकी उस पर उन्होंने आपत्ति की, और उसके बाद ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जाम लगाने का प्रयास किया, और पुलिस के द्वारा इनको समझाया बुझाया गया सभी लोगों को, और इनके द्वारा बताया गया कि इनको एक गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि अपना जो जल है और उसका व्यवस्था पूरी हो जाएगी, और वर्तमान में कोई समस्या नहीं है और सभी से बात हो गई है। हाँ ये हम देख रहे हैं कि कोई अफवाह फैली है क्या हुआ है, उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सत्यता देखी जाएगी कि अफवाह है क्या है, हमारे पास CCTV उपलब्ध है, हम पूरी चीज़ देखें। हमारे पास ड्रोन शहर के अंदर उड़ रहे हैं और ये हाईवे का है, आप जानते हैं मेरठ बाईपास है, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, CCTV लगे हुए, कोई समस्या नहीं। नहीं, इसमें पहले इस बात की सत्यता की जाँच की जा रही है कि क्या सही क्या गलत है। बताया जा रहा है दो युवक गिरफ्तार हुए हैं, अल्टो भी बरामद है कोई ऐसी? नहीं, इसमें हम पूरी चेक कर रहे हैं कि चीजें क्या है। मौके पर मौजूद SP सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए ये हाईवे चौकी थाना कंकड़खेड़ा के निकट की घटना है। NH पर कुछ कांवड़िया, कुछ श्रद्धालु जो है राजस्थान के रहने वाले, वो किसी वो अपने जो गंतव्य को जा रहे थे, उनको ये भ्रम हुआ या उन्होंने देखा कि उनके कांवड़ पर किसी ने उसको अपवित्र करने की किसी व्यक्ति ने
प्रयास किया है। इस बात पर वे उग्र हो गए, उनको समझाया बुझाया गया। जिस व्यक्ति पर उनको इस बात का संदेह है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे इस घटना में जो भी शामिल है, जिसने भी इस प्रकार का कार्य किया है किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने का, अपवित्र करने का, जांच करके उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसको निरुद्ध किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।